व्हाट्स अप गाइस, होपिंग यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज की कोड देखिए कितनी प्यारी है। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। देखिए, अगर आप लोगों ने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा, लोग बाग बोलते हैं कि एक दिन में तो कहीं नहीं तो मास्टर बन जाएगा। तो या तो दोस्त बोलते हैं कई बार कि आओ यार मूवी देखने चल रहे हैं, अगर आप बोलो उनको कि नहीं यार पढ़ना है, तो एक दिन में कहीं नहीं तो हेडमास्टर बनेगा। तो यार एक दिन में हेडमास्टर बनने वाली बात नहीं होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खेलना नहीं है या कुछ मूवी वगैरह नहीं देखनी है, पर लेकिन जो आपको उस दिन का जो काम करना है तो वो आपको कंप्लीट करना ही करना है। आपका एक मिनिमम शेड्यूल होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इतना तो कम से कम मुझे करना ही करना है डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर क्यों ना हो जाए। आपको मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ना है तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है यार। आज नहीं पढ़ोगे तो कल नया न्यूज़पेपर आ जाएगा, तो एक नया आपके पास में बर्डन होता चला जाएगा। तो एक जो मिनिमम स्टडी होती है एक दिन की, आपकी 6 घंटे हो सकती है, 8 घंटे हो सकती है, 10 घंटे हो सकती है, वो तो आपको करनी ही करनी है हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद आपको जो करना है, चाहे खेलना है, चाहे मूवी देखनी है, चाहे घूमने जाना है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। यार जो ये बोल रहे हैं ना कि छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो होते हैं, आप लोगों ने देखा हो कोई भी चीज ले लीजिए, बोलते हैं ना कि ईंट 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 जोड़ने से मकान बन जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और इसी तरीके से आप अगर एक कॉइन डालते जाओ डेली, तो कुछ टाइम बाद आपकी गुल्लक भी फुल भर जाती है एक एक कॉइन से। तो ये छोटे छोटे स्मॉल एफर्ट होते हैं, कभी भी इनको इग्नोर मत कीजिए। तो हमेशा आपको जो करना है उसको करिए, वो भी पूरे फोकस के साथ में, उसके बाद में खूब अपना एंजॉय भी कीजिए फिर। ओके, आज 10 मार्च है, देख लेते हैं हम लोगों को आज द हिंदू में क्या क्या टॉपिक का एनालिसिस करना है। आप लोगों को पता है अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं कल ही, कल नहीं परसों 8 तारीख को, मतलब 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे थे। कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश था, पंजाब था, मणिपुर था, गोवा था और उत्तराखंड था। इन 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए। तो उन 5 स्टेटों में इलेक्शन होने के बाद में क्या क्या वोटिंग का परसेंटेज रहा है, वही सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है कि कौन कौन सी पार्टी को कितनी वोटें मिली है, लगभग क्या होने की आशंकाएं जताई जा रही है। इससे रिलेटेड आगे भी न्यूज एनालिसिस में भी एक आर्टिकल आएगा, वहां पे भी हम इससे रिलेटेड चीजें देख लेंगे। ठीक है, ये वाला आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है। वर्ल्ड का ऑर्डर, चेंजिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब किस तरीके से वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज हो रहा है आज की डेट में, किस साइड में चीजें जा रही हैं। यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड वार से पहले का भी जिक्र किया है, वर्ल्ड वार से पहले क्या कंडीशन थी, उसके बाद में क्या कंडीशन हो गई, यूएन का क्या रोल है, तो सारी चीजें इन्होंने थोड़ी थोड़ी डिस्कस करी हैं। ओके, ये वाला आर्टिकल रिलेटेड जो है यूरोपियन यूनियन का एक जजमेंट आया अभी, जिसके तहत उन्होंने अपनी पॉलिसी थोड़ी लिबरल कर दी है रिफ्यूजी से रिलेटेड। आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, सब कुछ देखेंगे इसके बारे में। ये वाला आर्टिकल तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु की कंप्लीट पॉलिटिक्स है, कुछ ज्यादा दे नहीं रखा है इस वाला आर्टिकल में। देखिए बताया क्या गया है, जैसे तमिलनाडु में जयललिता जी एक्सपायर हो गई थी, तो जयललिता जी के एक्सपायर होने के बाद में उनके नाम पे कई सारे काम किए जा रहे हैं। तो जो अपोजिशन है वहां पे डीएमके, वो बोल रही है कि एक कन्विक्टेड आदमी था, उनको जो कोर्ट ने उनको कन्विक्शन दिया था, उसके बाद भी आप उनके नाम पे यहाँ पे पूजाएं करा रहे हैं, मतलब पेड़ लगा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। तो वही सब इंटरनल पॉलिटिक्स दे रखी है, किसी काम की नहीं है, वही उनकी आपस की लड़ाई दे रखी है, जो भी है उनके आपस में जो चल रही है वहां पे। ये वाला आर्टिकल हर बार तो काफी अच्छा आता था, यहाँ पे अब की बार मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड दे दिया है। केरला में बहुत सारे बीजेपी के मेंबर मारे जा चुके हैं और भी कई सारे मेंबर मारे जा चुके हैं, तो जो ये ब्लेम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट वाले बीजेपी को कर रहे हैं, बीजेपी वाले लेफ्ट को कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि दोनों का यही धंधा है। तो लेफ्ट वाले क्या बोल रहे हैं कि आप जहां भी जाते हैं आप वायलेंस फैलाते हैं, गुजरात के दंगों की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों की बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आप हमेशा पॉलिटिक्स में क्रुएल्टी यूज करते हैं, हमेशा दंगे वगैरह फैला देते हैं ये इधर। फिर बीजेपी वाले इनका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि जो भी काम करते हैं आप ही करते हैं, बीजेपी तो हमेशा नेशनलिज्म की बात करती है। और फिर ये बाद में इनको बोल रहे हैं कि आप दोनों कुछ नहीं करते हो, दोनों दंगे भड़काते हो और अपनी पॉलिटिक्स मतलब वोट गेन करने के लिए सब कुछ करते हो, जो भी करते हो। तो चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मोटिवेटेड आर्टिकल हो गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है। ये वाले दो आर्टिकल बिल्कुल मस्त है एकदम, इन दोनों आर्टिकलों को अच्छे से बताऊंगा। इस वाले आर्टिकल में जो श्रीलंका का भी फिशरमैन का इशू था, अब तक हमने अपनी वाली साइड देखी थी, सारे जितने भी आर्टिकल डिस्कस किए थे इन्होंने श्रीलंका की ग्रेवेंस बताई है। यहाँ पे श्रीलंका को क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारे फिशरमैन जो स्टेप्स ले रहे हैं, तो काफी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि श्रीलंका वाले जो फिशरमैन है बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारी वजह से। ये वाला आर्टिकल भी एक एक्ट से रिलेटेड है, मतलब चाइल्ड से रिलेटेड जो एक्ट है, आप लोगों ने सुना होगा उसका नाम भी कई बार, जिसको बोलते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल ऑफेंस, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POSCO, पॉस्को एक्ट। तो उसके तहत एक केस आया अभी, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मतलब आप लोगों को कई सारी चीजें मिलेंगी कि उस एक्ट में जो बताया गया है यहाँ पे, कि उसमें फिजिकल एज के बारे में, बायोलॉजिकल एज के बारे में बताया गया, लेकिन मेंटल जो होती है, कई बार बच्चे क्या होते हैं देख लीजिए, बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार एज तो उनकी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे
मतलब एज तो उनकी बहुत ज्यादा हो जाती है, पर लेकिन जो उनकी मेंटल सिचुएशन होती है, मेंटल सिचुएशन इतनी नहीं होती है जितनी कि उनकी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोगों को इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना हो समझने में लिए इसके लिए, तो आप मूवी नहीं है ऋतिक रोशन की कोई मिल गया, तो जो स्टार्टिंग में उसकी मेंटल सिचुएशन होती है, तो काइंड ऑफ चीजों का इसमें डिस्कस किया गया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की मतलब इसमें बोला गया कि कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड हो गया है लेके इसको डिसीजन को, क्योंकि इस तरीके का हमारे पास में लाइन नहीं है, उसमें मेंटल सिचुएशन को काउंट ही नहीं किया गया, ओनली जो है बायोलॉजिकल सिचुएशन जो बढ़ती है ओनली वो काउंट की गई है। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। आइए अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये बड़े ही प्यार से लिखा गया है, इसमें लिबरल रूल की बात की गई है और इंटरनेशनल बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल ऑर्डर। देखिए नॉर्मली क्या हम लोग जिक्र करते हैं, जब भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है उनके आते ही हम लोग बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके सारी चीजें उथल पुथल कर दी, ठीक है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आके एक तरीके से मतलब पूरा जो वर्ल्ड की है सिचुएशन चेंज कर दी, कि चाइना के साथ में क्या रिलेशन रहेंगे, यूएसए के साथ में क्या रिलेशन रहेंगे, मुस्लिम कंट्रियों के साथ में क्या रिलेशन रहेंगे। तो इनके जो डिसीजन निकल के आए इनके आते ही बहुत ही बिल्कुल चेंज करके रख दिया है दुनियादारी को इन्होंने। तो जो आर्टिकल लिखने वाले हैं वो आर्टिकल लिखने वाले इनका फेवर कर रहे हैं थोड़ा सा, मतलब फेवर भी नहीं कह सकते, एक तरीके से पैसिव करने की चीजें कर रहे हैं चीजों को, जो कि सारी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थोप दी गई है। तो आर्टिकल लिखने वाले ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें हुई हैं आज हो रही हैं वो चीजें डोनाल्ड ट्रंप के, आप कंप्लीटली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते उनका कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये चीजें चेंज हो रही है, ये चीजें बहुत ही पुराने टाइम से चली हुई आ रही है और कैसे कैसे ये आज इम्पैक्ट डाल रही है वो सारी चीजें आगे आगे इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो रिसेंट टाइम में अभी जो फ्लड्स ही आ गई है, कमेंट हो रहे हैं बहुत सारी बातें हो रही हैं इसके बारे में, और बहुत सारा मतलब जिक्र किया जा रहा है कि आज की डेट में जो लिबरल ऑर्डर था, जो बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल ऑर्डर लिबरल रूल था बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल ऑर्डर, वो आज की डेट में खत्म होता जा रहा है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में। वर्ल्ड वार सेकेंड कब खत्म हुई थी, वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुई थी 1939 से 45 के बीच में, ठीक है ना, 44 में खत्म हुई थी, मतलब इसके बाद लगा सकते हैं आप, 45 से स्टार्ट हो गया ये वर्ल्ड ऑर्डर जिसको आप लोग बोल रहे हैं लिबरल के बेस पे, ठीक है। तो ये सेप क्यों, सेप में कब आया था, सेप आया था कि जब वर्ल्ड वार के बाद में क्या हुआ था, एक साइड में तो वेस्ट थे और वेस्ट और यूरोप, तो दो एक ऐसे आदमी थे जिसके अंडर पूरा वर्ल्ड काम कर रहा था, अगर ढंग से देखा जाए तो लास्ट 7 डिकेड की बात कर रहे हैं, मतलब तब से लेकर अगर आज की डेट तक देखा जाए लगभग पूरे 70 साल हो गए हैं। तो 70 साल में ये एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था जो कि अब टूटता हुआ दिख रहा है, जो कि आज चेंज होता दिख रहा है। पहले जो सेंटर में था, सेंटर में पहले वेस्ट कंट्री थी, मतलब यूएसए था, और वेस्ट कंट्री थी जो सारी चीजें फॉलो करके चला करती थी। किस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब जब मतलब जब वर्ल्ड वार खत्म हो गई उसके बाद में आप लोगों ने जहां जहां भी देखा होगा, एक साइड में तो यूरोपियन यूनियन जिसको वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं और एक साइड में यूएसए था, मतलब दोनों एक साथ में मिलके पूरे वर्ल्ड को हैंडल करते थे, अफ्रीका में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस वाले एरिया में क्या हो रहा है। तो जहां भी कोई डिसीजन लेना होता था वो इन्हीं के द्वारा लिया जाता था, और ये यूएन की भी नहीं सुनते थे किसी हद तक देखा जाए तो, यूएसए अपने खुद अपने डिसीजन लेता था, उसको कोई बोधर नहीं होता था कि इसके बारे में और कौन क्या सोच रहा है। तो इसी तरीके से बोल रहे हैं जो ऑर्डर अब तक चला हुआ था, जो यूएसए पुलिसमैन का काम किया करता था, अब वो ऑर्डर कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, जो डेमोक्रेसी को प्रमोट किया करते थे, ये राइट्स को प्रमोट किया करते थे कि मतलब लोगों के राइट्स होने चाहिए या ऐसी ऐसी चीजें प्रमोट किया करते थे, तो अब वो खत्म होता जा रहा है, उसी के ऊपर काफी टाइम से चर्चा हो रही है। तो ये पहले तो यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं, इसके बारे में बताते हैं किसके बारे में, 2008 आप लोगों को पता होगा रिसेशन आया था, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जब 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 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो बहुत सारे बंदों को जॉब से भी निकाल दिया गया था, और रिसेशन आप लोग बोल सकते हैं उस टाइम पे जो नॉर्मल वर्ड सब लोग यूज कर रहे थे, तो उस टाइम से ये बोल रहे हैं कि उस टाइम पे भी चेंज देखने को मिला था बहुत अदर पार्ट में ऑफ द वर्ल्ड में, और हिस्टोरिकली जो चेंज है वो कभी स्टॉप ही नहीं हुआ, वो चेंज चलता हुआ आ रहा है, इससे रिलेटेड बहुत मिथ जुड़े हुए हैं, और मिथ भी क्या जुड़े हुए हैं कि मतलब कई कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड, कई बार बोलते हैं कि जो पूरा सेंटर है वो वेस्टर्न में है, अब बोल रहे हैं कि जो चेंज हो रहे हैं वो मतलब आज की डेट में जो सेंटर आता जा रहा है वो एशिया में आता जा रहा है, तो कई सारी चीजें इससे जुड़ी होती हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ये क्या बोल रहे हैं इसमें, आगे बोल रहे हैं कि आज देखते हैं कि आज बहुत ही ज्यादा ग्रेटर मतलब आज की डेट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, जितनी की पहले कभी नहीं हुई थी, पर लेकिन ये ज्यादा तो हो गई है वो आप लोग मान सकते हैं, पर लेकिन ये अब स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत पुराने टाइम से चली हुई आ रही है, बहुत लंबे टाइम से चली हुई आ रही है, और आप तो आज की डेट में तो टाइड से आ गए हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, मतलब वेस्ट ऑफ वर्ल्ड के शोर पे टाइड नहीं आते हैं, ज्वार भाटा आप लोगों ने सुना होगा, तो आज की डेट में मतलब काफी ग्रेव कंडीशन होती जा रही है, ये इस चीज को बोल रहे हैं यहाँ पे, और अब ये बताना स्टार्ट कर रहे हैं एक एक एरिया को बताना स्टार्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें चेंजेस होने स्टार्ट हुई है। पहले ये एग्जाम्पल ले रहे हैं वेस्ट एशिया का, वेस्ट एशिया में जब से जिहादिस्ट ग्रुप आए हैं जैसे कि आईएसआई वाले, ये आईएसआईएस ठीक है ना, तो
तो ये वाले आए हैं, मतलब जो टेररिस्ट ग्रुप आने स्टार्ट हुए हैं, और उसके बाद में फिर ये बोल रहे हैं 9/11। 9/11 से भी चीजें, मतलब काफी हद तक चीजें एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने लगी थी। 9/11 देख दे, जब ये हुआ था, मतलब यूएसए में जब अटैक हुआ था, जब बिल्डिंग में से आर पार जहाज को निकाल दिया गया था, बहुत सारे आदमी मारे गए थे। उसके बाद में फिर यूएसए ने अपना, मतलब अपन यूएसए ने फिर इसके बाद में अपना, मतलब रिवेंज लेने के लिए ओसामा बिन लादेन को भी मारा था, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा इशू था जो कि चला हुआ आ रहा था। तो ये पुराने टाइम से ही चीजें चली हुई आ रही हैं। वेस्ट वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, आप लोग एक बार वेस्ट एशिया को मैप में देख लीजिए, ये वाला एरिया वेस्ट एशिया हो गया। यहाँ पे तुर्की आ गया, ईरान आ गया, सीरिया, इराक, जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में रहता है। सीरिया में आप लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम चल रही है, इराक में भी पता है, और अभी ओमान और इनके भी बीच में काफी कंडीशन खराब हुई रखी है सऊदी अरेबिया को लेके। तो पूरे में इसमें टर्मोइल बना रहता है इस वाले, मतलब बहुत ही ज्यादा घमासान चला रहता है, महाभारत टाइप का चल रहा है इस वाले एरिया में। तो इसी को बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का तो इसमें हाथ एक आप लोग कह सकते हैं कि आज बहुत ज्यादा हो गई है, पर लेकिन पुराने टाइम से ही चली हुई चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। वो तो वेस्ट एशिया हो गया, और सेंट्रल एशिया में ही आते हैं, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तो ये वाले सारी कंट्री ये आती है सेंट्रल एशिया में। मैप को देखते रहा करो जब भी कोई टर्म्स आती है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे वेस्ट की बात कर रहे हैं, अब सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं। तो वहां पे भी चीजें कब होनी स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कब होनी स्टार्ट हो गई, वहां पे भी डिसइंटीग्रेशन जब सोवियत यूनियन हुआ। आप लोगों को बताओ, सोवियत यूनियन टूट के बहुत सारी कंट्री बन गई थी छोटी छोटी उसके इर्द गिर्द वाली, और उसी से बाद में ये देखिए एक बार मैप में, यहाँ पे देखिए ये सारी कंट्री जो छोटी छोटी कंट्री है ये सारी ये सोवियत यूनियन में से टूट के बनी है, जितनी भी आसपास में है, रशिया के आसपास में जितनी भी कंट्री है, पहले ये पूरा यूएसएसआर हुआ करता था। तो ये कंट्री टूट टूट के, मतलब ईस्टर्न एशिया बोला है इसने, ईस्टर्न यूरोप बोला है, तो ईस्टर्न यूरोप वाला ये वाला पोर्शन आ गया, आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं क्रीमिया का भी, इसलिए अभी रशिया ने अपने अंडर मिला लिया उसको। ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया यही वाला हो गया जिसका मैंने आप लोगों को मैप दिखाया अभी, ये देखिए सेंट्रल एशिया। तो इन दोनों की भी ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जब प्रॉब्लम कब आनी स्टार्ट हुई, यहाँ पे भी चीजें होनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब क्वार्टर सेंचुरी पहले। क्वार्टर सेंचुरी पहले क्यों बोला है, डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था, 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था जब ये टूट गया था। तो 1991 से लेकर आज तक देख लीजिए लगभग 25-26 साल हो गए हैं, तो इसीलिए क्वार्टर सेंचुरी बोला है। तो क्वार्टर सेंचुरी पहले वहां पे चीजें हो गई थी। फिर चाइना के बारे में बोल रहे हैं कि चाइना में भी 4 डिकेड है, गो 4 डिकेड लगभग 40 साल पहले, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था चाइना में, जिसके जिसके कारण यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें चेंजेस होने स्टार्ट हो गए थे। तो आप आज की डेट को ब्लेम नहीं कर सकते कंप्लीटली। और इसके बाद में बराक ओबामा ने कमेंट भी किया था कि चाइना को कैटेगरी में लिखा था फ्री राइडर, फ्री राइडर्स, मतलब फ्री राइडर्स का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पब्लिक जो मतलब प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करना विदाउट पेइंग टैक्स। तो ये इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज करना विदाउट पेइंग टैक्स, तो उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें बोल रहे थे कि ये चाइना में चल रही है यूएस पावेट एशिया पॉलिसी, मतलब यूएस जो जब एशिया पे अपना फोकस कर रहा था, यूएस जैसे जिस तरीके से हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है हमारी, ये है हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब हमको ईस्ट में देखना है, मतलब इन कंट्रियों की तरफ को हमको ट्रेड करना है अपना, इंडिया हो गया, इंडिया का ईस्ट ये पड़ गया, तो लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं, जो कि आज के डेट में एक्ट ईस्ट बन गई है। पहले लुक करना था लेकिन अब इनके साथ में एक्ट करना है, अब हमको इनके साथ में ट्रेड करना है, व्यापार करना है। इसी तरीके से यूएसए की एशिया पावेट पॉलिसी थी, मतलब एशिया पे फोकस करना, जितनी भी कंट्री है देखिए ये बहुत ही अच्छे अलाय है यूएसए के, ऊपर से फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। तो ये सारी कंट्रियों को यूएसए अपनी पॉलिसी लेकर चलता है जिससे कि यहाँ पे एक बैलेंस बना के रख सके। तो उसी पॉलिसी के तहत बराक ओबामा ने ये सब कमेंट किया था यहाँ पे। और जब से आप लोग देख रहे हैं चाइना जब से राइज हुआ है, आप लोगों को कई सारे कमेंट भी देखने को मिलते हैं, चाइना हमेशा अपने साथ अपने आप को यूएसए के साथ में कंपेयर करने की सोचता है, वो कभी नहीं चाहता है। जब भी चाइना का कंपेयर इंडिया के साथ में होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो हमेशा अपने आप को यूएसए के साथ में कंपेयर करता है, बोलता है कि इंडिया तो मेरे सामने कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उसी तरीके से ये भी बोला गया कि जियो देखिए जब से चाइना बढ़ा है तब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब एक सेंटर था जियो पॉलिटिक्स का, जो सेंटर था वो आज की डेट में ट्रांसफर हो गया। पहले क्या था वो यूरोप और अटलांटिक, मतलब अटलांटिक में बोला जा रहा है, आप एक बार मैप देखिए और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ये वाला अटलांटिक हो गया। तो यहाँ पे यूरोप और मतलब यूएसए को बोल सकते हैं, तो इन दोनों को मिला के पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो यहाँ पे था, जो भी ये डिसाइड करते थे वही डिसाइड होता था। पर लेकिन आज की डेट में ट्रांसफर हो गया, कहाँ पे ट्रांसफर हो गया आप देखिए, आज की डेट में ट्रांसफर हो गया एशिया इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन, मतलब अब आपको समझ में आएगा कहाँ पे बोल रहे हैं एशिया, बोल रहे हैं एशिया ये वाला आ गया, चाइना आ गया और इंडिया आ गया, इंडियन ओशियन आ गया, और पैसिफिक ओशियन में भी यही वाला एरिया आ जाता है, मतलब एक तरीके से इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशियन, ये वाला ऐसा कह रहे हैं। तो सेंटर जो है वो यहाँ से निकल के अब यहाँ पे पहुंच गया है, और यहाँ पे पहुंच गया है, जो पहले सब दादागिरी इनकी चला करती थी, जैसे करना ये कर लेते थे, अब इनका नहीं चल रही है दादागिरी, अब दादागिरी चेंज हो चुकी है, यहाँ से कहीं और पहुंच गई आज की डेट में दादागिरी। और इसके बाद में एक रिपोर्ट भी आई थी, जो रिपोर्ट थी वो थी, मतलब जो रिपोर्ट आई थी उसके तहत भी बोला गया था,
रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई थी? रिपोर्ट मतलब फिर से बताता हूँ, सुनिए, जो रिपोर्ट आई थी प्राइस वाटर हाउस कोपर्स, तो ये एक इस एक एनजीओ टाइप की थी, इसके द्वारा जो रिपोर्ट आई थी। देखिए कई बार आप लोगों को लगता है कि मैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्यों बोलता रहता हूँ, क्योंकि जैसे इस तरीके के वर्ड्स है ना, इस तरीके के वर्ड्स हो गया, या फिर ये ऊपर आया था अभी फ्री राइडर्स हो गए, इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी मैं कई बार पीडीएफ में डाल देता हूँ। यहाँ पे तो ओरली बताता हूँ, पर लेकिन डेफिनेशन वगैरह भी पीडीएफ में डाल देता हूँ। कई सारी ऐसी चीजें मिलती है जो कि यहाँ पे लेक्चर में नहीं बता पाता हूँ, पर मैं पीडीएफ में डाल देता हूँ, तो इसलिए पीडीएफ आप लोग हमेशा डाउनलोड कर लिया कीजिए, जो रिविजन में भी आप लोगों को बहुत फायदा करती है। तो स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए तो, और या फिर वीर के नाम से फेसबुक पे पेज है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। दोनों का लिंक जो रहता है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, ठीक है? कई बंदे पूछते रहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे जैसे, वहां पे दोनों लिंक मिल जाएंगे, किसी में भी क्लिक क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस रिपोर्ट के तहत बोला गया था कि 2040 तक, मतलब 2040 तक, जो इमर्जिंग E7 कंट्री है, जिनको चाइना बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया, मेक्सिको और तुर्की, तो ये वाली कंट्री जो है, इन वाली कंट्री का इकोनॉमिक का साइज G7 से भी डबल हो जाएगा। G7 कंट्री कौन सी है? आप G7 कंट्री देख लीजिए एक बार, ये वाली कंट्री हो गई G7। पहले ये G8 था, अब रशिया इससे बाहर निकल गया है, ठीक है ना? पहले इसको G8 बोला करते थे, अब G7 हो गया। इसमें अब कौन कौन रह गया? कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, और यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है। तो ये वाली कंट्री इसमें G7 कंट्री रह गई है, ठीक है? पहले ये G8 बोला करते थे, अब कन्वर्ट हो गए, G7 रह गए। तो ये कंट्री की इकोनॉमी से ज्यादा इमर्जिंग इकोनॉमी की इकोनॉमी हो जाएगी, ये बोला गया था इस रिपोर्ट के तहत भी। अब फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं। पोस्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, कोलोनियलिज्म, मतलब आप लोगों को पता होगा कि पोस्ट वर्ल्ड वार कब बोला था मैंने, पोस्ट वर्ल्ड वार 1944 के बाद में। हमारी कंट्री कब आजाद हुई थी? 1947। तो इसके बाद में ही सारी कंट्री आजाद होनी स्टार्ट हुई है, क्योंकि वर्ल्ड वार में जो था, जो ये यूके था, जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं, जिसको जिनको हम अंग्रेज बोलते हैं, ये बहुत जीत तो गए थे, पर लेकिन बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी इनकी, इनकी इकोनॉमी जो है एकदम गड्ढे में चली गई थी। तो इसी की वजह से अब इनकी इतनी ताकत नहीं रही थी कि ये दूसरी कंट्रियों को, जैसे कि बहुत सारी कंट्री हो गई, एशिया में कंट्री हो गई, इंडिया हो गई, या श्रीलंका हो गई, या फिर यहाँ पे जितना इन्होंने कंट्रोल कर रखा था, और जितनी मैक्सिमम कंट्री अफ्रीका में भी हो गई बहुत सारी, हालांकि अफ्रीका में और बाद में चीजें, वो बाद में इंडिपेंडेंस हुई है, पर बहुत सारी कंट्री अफ्रीका में भी उसी टाइम पे आजाद होनी स्टार्ट हो गई थी। तो यही बात बोली गई है कि जो उस, तो फिर इसके बाद में मतलब एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो कॉलोनियलिज्म का एंड चल रहा था, जो कॉलोनी बना रखी थी। कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी आप लोगों से ये कह सकते हैं एक नॉर्मल तरीके में कि जैसे जिस तरीके से इंडिया थी, तो इंडिया में जितनी भी यहाँ पे कमाई होती थी, वो क्या करते थे, अंग्रेज अपने वहां पे ले जाया करते थे। तो कमाई यहाँ पे होती थी, अपने वहां पे ले जाया करते थे, मतलब मनी, एक तरीके से आप ड्रेन ऑफ वेल्थ भी इसको कह सकते हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, दादा भाई नौरोजी जी का कॉन्सेप्ट था, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो सारी वेल्थ यहाँ पे पहुंचा दी जाती थी, ठीक है? तो यहाँ की जो कमाई यहाँ पे होती थी, वो पहुंचा वहां पे दी जाती थी, मतलब एंजॉय करते थे हमारे हमारे खून पसीने की कमाई से। ये तो वो कॉलोनी, हम इनकी कॉलोनी थे, इस तरीके से इसको कॉलोनी बोला जाता है। तो यही बात बोल रहे हैं कि इसके बाद में कोल ये खत्म हुआ, और उसके बाद में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आने स्टार्ट हो गए, डेमोक्रेटिक रूल बनने स्टार्ट हो गए, एक प्रॉपर वे में चीजें स्टार्ट हो गई। तो वो तो स्टार्ट हो ही गई थी, पर उसके बाद में एक चीज और चल गई, वो क्या थी? कोल्ड वार। कोल्ड वार क्यों चली थी, वो भी आगे भी डिस्कस करेंगे हम इस चीज को, कोल्ड वार का कॉन्सेप्ट क्यों निकल के आया था। तो उसके बाद में क्या होता है, फिर यूएन एक पावर में आ गया, यूएन आ गया बीच में, और दो साइड में थी टू सुपर पावर, एक साइड में तो था यूएसएसआर और दूसरी साइड में था यूएसए, ठीक है? तो उनके बीच में कौन आ गया, उनके बीच में आ गया बस यूएन रह गया उनके बीच में, जो कि एक पावर प्ले ग्राउंड बन गया। फिर कोल्ड वार एंड हो गया, कोल्ड वार एंड होने के बाद में, मतलब बाय द टाइम ऑफ कोल्ड वार एंड, तो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो थी, जो यूएन की, मतलब वो भी एक तरीके से मतलब प्रॉपर वे में नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि उसके बाद में फिर पावर किसके हाथ में चली गई, यूएसए के हाथ में चली गई। देखिए क्या हुआ, एक 1940, मतलब 1940, उसके वर्ल्ड वार के बाद में ले जाए, डेट वेट पे ज्यादा फोकस मत दीजिए, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में क्या हुआ, कोल्ड वार स्टार्ट हो गई फिर, ठीक है ना? कोल्ड वार कब तक चली? 1991 तक चली, जब तक थी यूएसएसआर का विघटन नहीं हो गया। तो इस ड्यूरेशन तक जो रहा वो यूएन बीच में रहा, ठीक है? पर यूएन बीच में रहा, उसके बाद में फिर यूएसएसआर का इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद में क्या चीजें होनी स्टार्ट हो गई, उसके बाद में एक छत्रसाल बन गया पूरा, एक हेजेमनी आ गई, किसकी आ गई, यूएसए की आ गई। अब यूएसए होल सोल अथॉरिटी बन गया, जिसको यूनिपोलर वर्ल्ड भी बोला जाने लगा। अब यूएस में लिबरल ऑर्डर चल रहे थे, सब चीजें हो रही थी, तो फिर ये बोल रहे हैं कि जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो ग्लोबल नहीं रह गया था, वो ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द वेस्ट में रह गया था। तो यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए कोल्ड वार क्या हुई थी, उसका थोड़ा सा आगे भी अब लोग हम अभी हम लोग जिक्र करेंगे, कुछ तो आप लोगों को यहाँ पे आइडिया हो गया होगा।
अब यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड, मतलब अब देखिए पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड हो गया, मतलब अब जो सेंटर आ रहा है वो एशिया में ट्रांसफर हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन आज की डेट में ओवरडोज है, 24/7 इन्फॉर्मेशन रहती है, सोशल मीडिया वगैरह 24 एक्टिव रहती है। और ये मुंच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, आप लोगों को देखिए मैप देखना है और मैप में बताना है कि मुंच कहाँ पे पड़ता है। तो देखिए इससे क्या फायदा रहेगा, आप जाके इसके इर्द गिर्द का भी एरिया देखिए, मेरा बताने का मकसद यही रहता है कि आप आसपास का एरिया भी मैप में देखें, आप लोगों को थोड़ी आइडिया हो जाए। तो उसमें रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे ये सैग्रे लेवरोज, तो इन्होंने भी डिस्क्राइब किया था कि आज की डेट में जो जो चीजें हो रही हैं वो शिफ्ट हो रही हैं आज की डेट में, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बताया गया था, और जो बोला गया था कि जो बिगेस्ट चेंज हो रहा है उसका रीजन क्या है कि एक प्रॉपर म्यूचुअल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें म्यूचुअल तरीके से चीजों को डिस्कस किया जा सके, म्यूचुअली एक दूसरे के फायदे के लिए बात की जा सके। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे कि वो एब्सेंस है आज की डेट में। नेटो की बात कर रहे हैं, नेटो क्या हुआ था, बनाया गया था कोल्ड वार के टाइम में बनाया गया था एक तरीके से यूएसएसआर को टैकल करने के लिए, पर लेकिन आज की डेट में भी इसको यूज किया जा रहा है उसी तरीके से, खत्म हो चुका है, जबकि इसका जो काम देखा जाए तो वो खत्म हो जाना चाहिए था। और फिर न्यूक्लियर डायमेंशन की बात कर रहे हैं, देखिए न्यूक्लियर डायमेंशन एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से कोल्ड वार बनी रही, क्यों, क्योंकि एक साइड में तो देखिए, अब बताता हूँ यहाँ पे वो चीजें मैं जो बात कर रहा था कि आगे बताऊंगा, एक साइड में तो यूएसए हो गया, दूसरी साइड में यूएसएसआर हो गया, तो दोनों के पास में क्या था, दोनों के पास में न्यूक्लियर पावर थी, तो न्यूक्लियर पावर थी इसी की वजह से ये कोल्ड वार चल रही थी। अगर इसके पास में न्यूक्लियर पावर नहीं होती, यूएसएसआर के और यूएसए के पास में न्यूक्लियर पावर होती, तो ये कोल्ड वार कभी नहीं चलती, वार हो चुकी होती, यूएसए इसको दबोच चुका होता। पर लेकिन यूएसए को भी पता था इसके पास भी न्यूक्लियर है, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो इसीलिए कोल्ड वार बोलते हैं कि एक तरीके से डायरेक्ट ग्राउंड में ना अड़ना, पर लेकिन इधर उधर लड़ाई करते रहना। आप लोगों ने देखा होगा कभी तो जाके यहाँ पे लड़ जाते थे, कभी आके यहाँ पे इस वाले एरिया में लड़ जाते थे, कभी अफगानिस्तान वाले एरिया में लड़ रहे थे। तो इनकी इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं, अब तक भी चल रही हैं, पुरानी तो बात छोड़ दीजिए, तो अब तक भी इस तरीके की कंडीशन बनी हुई है। तो वो इसीलिए बनी हुई थी क्योंकि दोनों के पास में वेपन थे और कोई सा भी कोई सो को भी किसी भी वक्त मैप से मिटा सकता था, इतने जबरदस्त दोनों के पास में हथियार थे। तो यही बात बोली जा रही है कि इसीलिए वो कोल्ड वार चल रही थी उस टाइम पे। और आज की डेट में देखिए न्यूक्लियर चेन जो है वो भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लिंक आप लोग बोल सकते हैं, मतलब आज की डेट में इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर हो गया है, चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, और ऊपर से नॉर्थ कोरिया भी बोल रहा है कि मैं भी न्यूक्लियर पावर हूँ। तो नॉर्थ कोरिया की वजह से भी डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते जा रहे हैं आज की डेट में। हम लोग कई आर्टिकल पीछे डिस्कस कर चुके हैं इससे रिलेटेड कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। नॉर्थ कोरिया फिर से देख लीजिए मैप में कहाँ पे पड़ता है, ये ऊपर नॉर्थ कोरिया पड़ता है और नीचे साउथ कोरिया पड़ता है, यहाँ पे तो चाइना के पास में पड़ता है, चाइना इसको सपोर्ट करता है हमेशा नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, और साउथ कोरिया कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंश्योर क्राइसिस स्टेबिलिटी, मतलब क्राइसिस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, देखिए इन एडिशन टू डिटरेंस स्टेबिलिटी। डिटरेंस स्टेबिलिटी क्या है, डिटरेंस स्टेबिलिटी यही है, आप लोग बोल सकते हैं कि एक साइड में पाकिस्तान है और दूसरी साइड में मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों को पता है एक दूसरे के पास में न्यूक्लियर वेपन है, तो दोनों इसलिए डिटर रहते हैं एक दूसरे से, मतलब डिटरेंस रहता है, ये इसके ऊपर वार नहीं करता, ये इसके ऊपर वार नहीं करता है, तो ये डिटरेंस स्टेबिलिटी बना रखी है, यही काम चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, ठीक है, तो हर जगह इसी तरीके की डिटरेंस रहती है ये, तो इसी को ये बोल रहे हैं कि इसके साथ में इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि जो क्राइसिस में स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। डिटरेंस तो आप लोग कर रहे हैं सारे, सब अपने अपने हथियार बना रहे हैं एक दूसरे को टैकल करने के लिए, पर लेकिन क्राइसिस में स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, और रिस्क जो एक रिस्क को रिड्यूस करना चाहिए कोई भी मैकेनिज्म लेके, एक दूसरे से बात करके या फिर कम्युनिकेशन करके, तो यही बात बोल रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्यूबन क्राइसिस की बात कर रहे हैं जो कि 1962 में था, आप लोगों को पता होगा क्यूबन में, जो क्यूबा में उस टाइम पे क्राइसिस हुआ था, ये मैप में देखिए कहाँ पे है क्यूबा, ये है यहाँ पे क्यूबा, ठीक है ना, तो क्यूबा में क्राइसिस क्या हुआ था, यूएसएसआर ने, मतलब आप लोग बोल सकते हैं उस टाइम पे यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने यहाँ पे मिसाइल बिछा दी थी लाके, ठीक है, क्योंकि जो यूएसए था इसके साथ में लड़ाई चल रही थी, तो इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे अपनी मिसाइल रखने की बात चल रही थी, और उधर यूएसए उसने क्या कर रखा था, अपनी मिसाइलें तुर्की में रख रखी थी, ठीक है, तो उसने अपनी तुर्की में सेट कर रखी थी यूएसए ने, तो काइंड ऑफ बातें थी कि तू हमारे ऊपर छोड़ेगा तो हम तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे। तो उस टाइम पे जो कंडीशन बन गई थी, बिल्कुल ऐसी कंडीशन दिख रही थी कि देखिए 1945 में वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ था, अब 1965 में जाके फिर से लग रहा था कि फिर से न्यूक्लियर वेपन यूज होने वाले हैं,
पर लेकिन किसी तरीके से वो चीजें रुक गई, तो उस तरीके से दोनों को रियलाइजेशन हुआ, यूएसए को भी और सोवियत यूनियन को भी, दोनों को रियलाइजेशन हुआ कि यार कहीं ना कहीं चीजों को ढंग से हैंडल करना चाहिए, वरना फिर से इसी तरीके की कंडीशन बन सकती है जिस तरीके की वर्ल्ड वार में बनी है, दो दो वर्ल्ड वार पीछे हो चुकी है। तो उसी के बाद में फिर क्या चीजें हुई स्टार्ट हुई, उसी के बाद में फिर सर्च करनी स्टार्ट कर दी इन्होंने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी और क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए आज के वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है और आज की डेट में भी इन चीजों की बहुत जरूरत है। अगर इन चीजों को फोकस करके नहीं चलेंगे तो आगे आने वाले टाइम में क्राइसिस बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिस तरीके से आप वेस्ट एशिया में देख लीजिए किस तरीके की कंडीशन बनी हुई है, सीरिया वाले एरिया में, या फिर नॉर्थ कोरिया का इशू ले लीजिए। तो एक डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी की जरूरत है, न्यूक्लियर टैबो से दूर हटके, इसको साइड में रख के एक प्रॉपर वे में सबको मिलके, सारे इंडिया और सारी कंट्रियों को मिलके, जिस तरीके से इंडिया और जापान का इन्होंने एग्जांपल दिया है, इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। इंडिया भी देखिए हर टाइम कहता है कि न्यूक्लियर पावर को साइड में रखो, इंडिया की पॉलिसी क्या है, नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे। एक तो ये पॉलिसी, और दूसरी पॉलिसी क्या है, हम किसी भी ऐसी कंट्री के खिलाफ यूज नहीं करेंगे जिस कंट्री के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। तो इसी तरीके की चीजें जापान ने भी अपना न्यूक्लियर पावर का सारी चीजें साइड में कर रखी थी, क्योंकि यूएसए ने उसको बोला था कि मैं तेरी सपोर्ट करूंगा। देखिए बहुत ही ज्यादा स्पीड में बोलना पड़ता है, क्योंकि यार स्पीड में नहीं बोलूंगा तो फिर जो जो चीजें हैं ना पढ़ पढ़ के बस वही सुना पाऊंगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा। कई बंदे बोल रहे हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए स्पीड रखनी पड़ती है, सारी चीजें बतानी पड़ती है, वरना फिर जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है बस वही सुन पढ़ के सुनाता चला जाऊंगा, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए यार थोड़ी स्पीड मुझे रखनी पड़ेगी सारी चीजें कवर करने के लिए, तो थोड़ा प्लीज कोऑपरेट करके चलिए आप लोग। ये वाला आर्टिकल छोटा सा, ज्यादा नहीं है इस आर्टिकल में कुछ। देखिए ओपन गेट्स की बात कर रहे हैं, ओपन गेट्स की बात क्यों कर रहे हैं, ओपन गेट्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो कोर्ट है उसने बोला है, यूरोपियन यूनियन जो जितने भी स्टेट है जितने भी नेशन है उनको बोला है कि आपको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दिखाना है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेस पे असाइलम देना है, असाइलम किसी को भी डिनाई नहीं करना है। जो कि वेस्ट एशिया में आप लोगों को अभी दिखाया था मैंने, वेस्ट एशिया में जो कंडीशन खराब हो रखी है, ये वाला मैप दिखाया था वेस्ट एशिया में, जो सीरिया में प्रॉब्लम चल रही है, तुर्की में भी इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलती रहती है, ईरान में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ से जो रिफ्यूजी आते हैं, एक बार यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे जो रिफ्यूजी आते हैं आप लोगों को पता होगा, यहाँ से रिफ्यूजी यहाँ पे पहुंचते हैं यूरोप में, ठीक है। तो जो यूरोप में यहाँ पे रिफ्यूजी बोलते हैं, इसी के तहत यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया था, अपने आपको अलग कर लिया था। तो ये बोल रहे हैं अब यहाँ पे जो आदेश आया, इसका कोर्ट का आदेश आया, उन्होंने बोला है कि गेट खुले रखो, ठीक है ना, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। और ये देखिए ये यूरोपियन यूनियन के चार्टर के तहत भी होता है, यूरोपियन यूनियन में 28 नेशन है याद रखिएगा, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के चार्टर के तहत भी है कि आप लोगों को क्या करना है, गेट खुले रखने हैं, जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, ये नहीं है कि यार आप लोग पीछा फेर के बैठ जाएं। आज की डेट में सब लोग बोल रहे थे कि वेस्टर्न कंट्री जो है वो बैक टर्न कर लिया उसने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, मतलब किसी भी इशू को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बस अपने पे फोकस कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन का कोर्ट का जो केस, ये डिसीजन आया है, बहुत ही अच्छा माना जा रहा है इस टाइम पे। और देखिए कई सारी कंट्री हैं जैसे कि नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इनमें क्या होने वाला है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ये हमेशा एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी लेके चलते हैं अपने यहाँ पे। तो बोला जा रहा है कि इससे कुछ फायदा होगा और कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, यूरोपियन वैल्यूज जो है उसको कहीं ना कहीं ट्रैकल करने में हेल्प करेंगे। और इसी तरीके की कुछ, मतलब लास्ट ईयर यूएन ने भी बोला था इसी तरीके की चीजें कि देखिए जो माइग्रेंट है उनकी तरफ को थोड़ा लिबरल रहो और रिफ्यूजी को आप लोग मतलब थोड़ा उनको अपने यहाँ पे जगह देने की कोशिश करो। तो यही पूरा अर्थ था जो मेन था वो यही था, इसमें बोला गया है कि जो यूरोपियन यूनियन से यहाँ पे आदमी आ रहे हैं उनको अपने यहाँ पे शरण दो, उनको डिनाई मत करो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दो कम से कम। तो यही बोला गया इस आर्टिकल में कंप्लीट, ठीक है ना। ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा है, इस वाले आर्टिकल में बोला गया है कि पहले से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेप टेकन बाय इंडिया एंड श्रीलंका टू रिजोल्व द डिस्प्यूट बिटवीन फिशरमैन ऑफ बोथ द कंट्रीज। मतलब इंडिया और श्रीलंका के द्वारा ऐसे स्टेप्स, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए या और स्टेप्स लिए गए हैं जो डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाए फिशरमैन का, जो कि दोनों साइड से फिशरमैन एक दूसरे के पकड़ लिए जाते हैं, एक दूसरे की बाउंड्री में पहुंच जाते हैं। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, आर्टिकल को देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक बात बता दूं, इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले ये कंप्लीट आर्टिकल श्रीलंका के प्रोस्पेक्टिव से लिखा गया है। इसमें बोला गया कि इंडिया किस तरीके से कोताही बरतता है, किस तरीके से अपने डिसीजन लेता है इंडिया, मतलब श्रीलंका के बारे में कुछ नहीं सोचता है। तो श्रीलंका के जो फिशरमैन है, जिस तरीके से उनको अपनी ही टेरिटरी में उनको मछली पकड़ने से रोका जाता है इंडियन ट्रेवलर के द्वारा, इंडियन ट्रेवलर की बात कर, ये इंडियन ट्रोलर की बात कर रहे हैं, जो भी बोलेंगे इसको, ट्रेलर या ट्रोवलर या ट्रैवलर जो भी इसको बोलेंगे, ये होता क्या है एक बार देख लीजिए आप लोग, ये इस तरीके का होता है। देखिए इंडियन जो फिशरमैन है ना, आप लोग अगर देखो श्रीलंका के कंपेयर में, श्रीलंका में अब तक तो लिट्टे वाली प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि मैं आप लोगों को कल भी बताया था लिट्टे की प्रॉब्लम क्या थी, वहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चली हुई थी, वहां से जो आदमी गए थे ब्रिटिश के द्वारा वहां पे लेके पहुंचा दिया गया था। फिर से मैप देखिए आप लोग पता नहीं मैप के बिना समझाने में मजा नहीं आता, जब तक मैप ना दी जाए।
ये वाला नहीं, वो वाला कहाँ गया, ये देखिए यहाँ से तमिलनाडु से लेके यहाँ पे पहुंचाया गया था आदमी को ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन में जो यहाँ पे जिस टाइम पे उनका राज था, तो ऊपर वाले एरिया में, जाफना वाले एरिया में यहाँ पे पूरा काम चलता है, तो इस वाले एरिया में बात कर रहे हैं। तो पहले तो आप याद रखिए, ये तो हो गया पाक ऑफ बे, ठीक है ना, ऊपर वाले पाक ऑफ स्ट्रेट, नीचे हो गया पाक ऑफ बे, ये नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। एडम ब्रिज इसके नीचे है, और इसके नीचे है फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ मनार। तो ये सारे नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, जब बहुत ज्यादा न्यूज में आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात चल रही है, पहले एक बार देख लेते हैं ये कंडीशन क्या हो रही है। यहाँ पे कंडीशन ये हो रही है, ये बोल रहे हैं कि जब भी इंडियन फिशरमैन का इशू आता है, राइटर जो लिखने वाले हैं, तब तो आप बड़े तड़क भड़क के बोलते हैं, लेकिन जब बांग्लादेशी कैटल स्मगलर की बात आती है तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। अगर इंडियन फिशरमैन कोई मारा जाता है तो मीडिया भी उछलने लगती है, सब कूदने लगते हैं, पर लेकिन जब बांग्लादेश के स्मगलर मारे जाते हैं तो इन्होंने कंपेयर किया है फिशरमैन को, क्योंकि जो हमारे फिशरमैन भी एक तरीके से उनकी टेरिटरी, उनके एरिया में जाके फिश पकड़ते हैं ना, उनके एरिया में जाके फिश पकड़ते हैं ट्रेवलर के द्वारा। देखिए ट्रेवलर जो होते हैं, जो भी इनको बोलते हैं, ये ऐसे नाव के पीछे बांधे जाते हैं, ठीक है ना, तो नाव के पीछे बांधे जाते हैं, जो ह्यूज, देखिए छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जितनी भी मछली होती है सारी इसके अंदर आ जाती है, चाहे वो अंडे हो, सब कुछ आ जाता है। मतलब एक तरीके से कई बार बोला जाता है इनको यूज करने के लिए मना भी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी मछलियां बच्चे देती है या छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी पकड़ ले जाते हैं, उसके द्वारा यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर इनको भर के ट्रक में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इंडिया जो फिशरमैन है वो बहुत ही एक तरीके से आप लोग बोलते हैं उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे साधन है एज कम्पेयर टू श्रीलंका के फिशरमैन। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं श्रीलंका वाले एरिया में जाके। तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हम उनके एरिया में जाके मतलब स्मगलिंग करते हैं फिश की, इसी तरीके से जो कैटल की स्मगलिंग है, जब इनको, जब इनको बीएसएफ वाले हमारे मारते हैं, तो उसके ऊपर कोई मीडिया हमारा कुछ नहीं बोलती है, कोई आदमी कुछ आवाज नहीं उठाता है, काम तो सिमिलर इसी तरीके का हो रहा है ना। तो ये इनको दोनों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसे ही फेंक रहे हैं अपनी बातें, ये बकायदा प्रूफ दे रहे हैं। बकायदा प्रूफ क्या दे रहे हैं कि बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर एक मंथ के बिगनिंग में जो श्रीलंका नेवी का हेडक्वार्टर है वो क्या करता है, एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाता है, और जो वो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट क्या रहती है, इंडियन फिशरमैन किस तरीके से इंडियन बाउंड्री में आके, मतलब श्रीलंका बाउंड्री में आके वहां पे मछलियां पकड़ रहे हैं, उन सबसे रिलेटेड होती है। और ये देखिए फरवरी की रिपोर्ट जो होती है, कितने अच्छे तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं, हम जो रिपोर्ट बनाते हैं कई कई महीने बाद में आती है, पर इनकी जो फरवरी की रिपोर्ट थी वो इंडिया के पास में पहुंच गई थी 2 मार्च को, मतलब जस्ट महीना स्टार्ट होते ही, कि फरवरी में क्या क्या नौटंकी की है इंडियन फिशरमैन ने उस वाले एरिया में जाके। तो वो सारी बातें यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबको भेजी जाती है, डायरेक्टर नेवल ऑपरेशन, इंडियन गार्ड को, हाई कमिश्नर को, सब तक वो रिपोर्ट पहुंचाई जाती है, और जो जो आदमी इससे कनेक्टेड है सब तक, ठीक है। तो वो रिपोर्ट ही बहुत अच्छे तरीके से एक एक्सटेंसिव, मतलब उसमें रहता है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहती है उसमें, बोला गया जो अभी की फरवरी की इंफॉर्मेशन की जो रिपोर्ट है उसमें बोला गया अप्रोक्सीमेट 835 जो फिशरमैन है, फिशरमैन ट्रोलर यूज कर रहे हैं इनके 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 एरिया में जाके पोचिंग कर रहे हैं। तो ये इस वाली रिपोर्ट में 835, देखिए कितने ज्यादा होते हैं, अगर ट्रोलर, एक ही ट्रोलर में कितनी दुनियादारी आप लोग उजाड़ सकते हैं, तो उनके जो एरिया की सारी फिशें ये लेके यहाँ पे आ जाते हैं। तो यही बात बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 29 लोकेशन पे विद इन श्रीलंका इंडियन फिशरमैन पाए गए हैं। ये कई आइलैंड के यहाँ पे नाम दे रखे हैं इन्होंने, तो एक बार एरिया देख लीजिए ये आइलैंड पड़ते कहाँ पे है। और यहाँ पे आगे बोल रहा है कि बहुत ईजी है क्रॉस करना, पाक स्ट्रेट में जाना लेस देन 3 आवर, आप देख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए ये ड्राफ्ट आइलैंड यहाँ पे हो गया। तो ये सारे आइलैंड यहीं पे पड़ते हैं, छोटे छोटे इसी वाले एरिया में पड़ते हैं। ये रामेश्वरम हो गया, जहाँ पे जाके एपीजे अब्दुल कलाम थे, फॉर्मर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत ही अच्छे इंसान थे यार, मतलब वाकई में यार, मतलब इनके लिए कोई वर्ड ही नहीं है जब भी इनके बारे में मैं सोचता हूँ, मतलब गजब के इंसान थे यार। चलिए क्या कर सकते हैं, भगवान को इतनी ही मंजूरी थी इनकी, अभी जीना चाहिए था उनको कम से कम और 150 साल इंडिया जैसी कंट्री के लिए। तो ये देख लीजिए पाक ऑफ स्टेट भी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पाक ऑफ स्टेट से अगर चला जाए यहाँ से 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगते इसको क्रॉस करने में, यहाँ तक पहुंचने में। तो ये बात बोल रहे हैं कि उनके एरिया में पहुंच जाते हैं जरा सी देर में, ठीक है। देखिए लाइन दिखा रखी है, ये लाइन भी एक तरीके से मतलब यहाँ पे ब्रिज बनाने की बात चल रही थी, वही कि इसको हटाने की बात चल रही थी राम सेतु को, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बवाल हो गया था, क्योंकि अगर इंडिया इधर से इधर जाता है तो बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ता है, और यहाँ से जाता है तो आराम से चला जाता है। तो पाक ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहुंचने में इनको टाइम नहीं लगता है, जरा से टाइम में उधर पहुंच जाते हैं ये लोग, जो इंडिया के फिशरमैन है जरा सी देर में क्रॉस करके उधर पहुंच जाते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये तो मानते हैं कि देयर इज नो मार्कर, मतलब कहीं पे बाउंड्री नहीं है, पर आज की डेट में हर एक आदमी के पास में सेल फोन है और उसमें जीपीएस है सबके पास में, और सबके पास में जीपीएस है, तो इसलिए आराम से उसको ट्रैक, उनको पता चल सकता है कि हमारी बाउंड्री कहाँ पे है, हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। और दिस ईयर की बात कर रहे हैं कि 3 मंथ में क्या कह रहे हैं कि 14 बोटें पकड़ी गई हैं और 85 फिशरमैन पकड़े गए हैं ओनली 3 मंथ में। तो जो उनकी बोटें पकड़ी जाती हैं, देखिए क्या करते हैं वो फिशरमैन को तो इवेंचुअली रिलीज करते हैं, पर जो कि बोट है वो उसकी रख लेते हैं, क्योंकि बोट पकड़ेंगे तो बोट नहीं देंगे तो बोट रखेंगे तो अपने पास में फिर वापसी आएंगे,
और इसीलिए सिविल वार के बाद में देखिए कंडीशन बहुत ज्यादा वो हो गई है। सिविल वार जब हुई थी, जो लिट्टे वाली प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो फिशरमैन है श्रीलंका के, उन्होंने एक ढंग से अपना एरिया यूज करना स्टार्ट किया। उससे पहले तो हम घूमते रहते थे वहां पे, तो जो टेरिटरी है, जो टेरिटरियल वाटर है, वो अपना में तब से उन्होंने करना स्टार्ट किया है। और ये बोल रहे हैं कि अगर न्यू दिल्ली को देखे तो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर में तो आप तो खूब काम करके चलते हैं अपना, पर लेकिन जब छोटे से यहाँ पे बात आती है तो आप लोग नौटंकी चापने लगते हैं। मतलब किस तरीके से ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर की बात कर रहे हैं ये, यहाँ पे देखिए इस वाले ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो जो हमारा ये वाला बॉर्डर है यहाँ पे तो हमारे पास फुल टाइम है ना, फुल चीजें हैं करने के लिए, पर लेकिन जब हम दूसरे वाले हैं इसके बारे में हम सोचते नहीं है। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं इसमें, मतलब छोटा सा ग्रेवेंस दिखा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पड़ोसियों के बारे में भी सोचना चाहिए, कहने का मतलब ये है इनका। ये यहाँ पे अच्छा आर्टिकल है बहुत ही, इसमें देखिए क्या बोला गया है कि जो एज है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे आदमी की मेंटल एज भी बढ़ती है, दोनों में डिफरेंस होता है। इसके ऊपर ये पूरा केस है, ये है सेरेब्रल पाल्सी विक्टिम। सेरेब्रल पाल्सी विक्टिम जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कोई मिल गया वाला, आप लोगों ने ऋतिक रोशन वाला सीन देखा होगा, इस तरीके के आदमी होते हैं, इसमें प्रॉब्लम इस तरीके की होती है। ये देखिए एज बढ़ जाती है, पर लेकिन एज तो बढ़ जाती है, पर लेकिन मेंटल हेल्थ बोलती है बच्चों वाली होती है। आप लोगों ने बहुत से ऐसे बंदे आप अपने आप लोगों के इर्द गिर्द भी देखे होंगे, एक इस तरीके का यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल है। तो इसी से रिलेटेड ये केस आया, बहुत ही यार आधी बार तो बहुत ही बच्चों के साथ में बहुत ही गलत हो जाता है बेचारा। देखिए आप लोगों को ना खुश होना चाहिए, आप लोग बोलते रहते हैं, बहुत सारे बंदे ऐसे रहते हैं कि यार कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं है, मेरे पास में ये है वो है, मतलब अपने आपको ब्लेम करते रहते हैं। कभी अपने आपको इनके साथ में कंपेयर करके देखिए, क्या नहीं है यार आपके पास में, एक आपके पास में हस्ट पुष्ट बॉडी है ना, अगर आपके पास में तो आप सबसे अमीर है इस दुनिया में। तो आप लोगों को ये फोकस करके चलना चाहिए, कभी भी अपने आप पे अपने मन में नेगेटिव चीज लाने ही मत दो यार। आपके पास में सब कुछ है, बस पैसे पैसा नहीं है तो, और मतलब जॉब नहीं है तो आप सोचते हैं कुछ नहीं है। तो अपने आप को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, और अपने आपको एनकरेज रखिए, अपने आपको मोटिवेट रखिए, तो आप कुछ भी करके ले जाएंगे। फुल बॉडी है आपके पास में यार, जिसकी कोई कीमत नहीं है, किसी के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते आप उस चीज को। चलिए आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल क्या है कि प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, जिसको हम पोस्को बोलते हैं। पोस्को के अंदर में क्या है, हमारे यहाँ पे पोस्को में अंदर में जो एज, जो नॉर्मल एज बढ़ती है उसके बारे में तो बातें रखी गई हैं। उसको बढ़ा के देखिए 18 कर दिया गया था, अभी पहले ये 16 थी तो 18 कर दिया गया था। तो जो 18 से नीचे है उसको हम बच्चा मान रहे हैं, ठीक है ना, तो बच्चा मान रहे हैं 18 से नीचे तक। तो एज 18 से नीचे ऊपर एज तो बढ़ रही है हमारी, पर लेकिन मेंटल एज बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, उसके बारे में ये केस निकल के आया। अभी क्या हुआ है, अभी एक विक्टिम आई है सेक्सुअल असोल्ट विक्टिम, जो कि बायोलॉजिकल एज जो उसकी 40 है, पर लेकिन मेंटल एज है उसकी 60, वो 60 बोल रहा हूँ, 6 साल की मेंटल एज है, मतलब 6 साल के बच्चे की तरह बिहेव करती है वो। तो उसका उसके साथ में अभी सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, मतलब एक तरीके से उसके साथ में, मतलब यार देखिए किस हद तक मतलब गिर जाते हैं यार इंसान, मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें देखे ना अंदर से इरिटेट हो जाता हूँ कई बार तो मैं। मतलब नॉर्मल, चलो नॉर्मल औरतों के साथ में जो भी गंदगी करते हैं वो तो एक बार को मतलब अलाउ तो अभी नहीं करनी चाहिए, साला काट देना चाहिए रख के। क्या बोलो यार, फिर गुस्सा आता है मुझे, फिर वही बात निकल के आती है मुंह से, मतलब यहां तक भी नहीं छोड़ते यार। ये देखो मेंटल, जिनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मतलब वहां तक भी बदतमीजी कर देते हैं यार। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, सॉरी यार गुस्सा हो गया। चलो देख लेते हैं आर्टिकल में क्या है। तो अभी इनके साथ में केस हुआ, तो जो हमारा एक्ट है इसके एक्ट के तहत बोला गया है कि जो वुमेन सफर कर रही है वो इससे सेरिब्रेलिसी से पॉलिसी से इससे सफर कर रही है, ठीक है ना, सेरिब्रेल पॉलिसी जो भी है इससे सफर कर रही है फ्रॉम बर्थ से, और इसके साथ में ये मतलब सेक्सुअल असोल्ट का केस हुआ है। तो इसके इसके बाद में जब रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट आई है, तो इसके बाद में बोला गया है कि जो इसका आईक्यू लेवल है जो इनका, वो लगभग 6 ईयर का है। तो इसी तरीके से सेक्शन 2 के तहत जो ये बातें कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल एज तो मापी जाती है वहां पे, पर लेकिन जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, और पार्लियामेंट ने उसको कंसिडर भी नहीं किया। तो पार्लियामेंट को इसी चीजों को कंसिडर करना चाहिए। पार्लियामेंट में भी देखिए वहां पे फालतू के नोटबंदी से तो बातें कर करके वहां पे वो पार्लियामेंट के सेशन को तो वहां पे खत्म कराते रहते हैं ये, मतलब कभी कोई इशू पकड़ लिया, कोई इशू पकड़ लिया, अपोजिशन का नाम लेके अपोज करते रहते हैं। यही काम बीजेपी क्या करती थी, वही काम कांग्रेस कर रही है। और ऐसे ऐसे केस जो है इन पे कोई फोकस ही नहीं दिया जाता है, मतलब पब्लिक के बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा सोचती है आज की डेट में जो हमारी पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे देखिए बातें कर रहे हैं उसी तरीके से, मतलब जो प्रियम ये मतलब बातें कर रहे हैं कि जो यूएन का यूएन के हिसाब से देखिए जो एक्ट दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है यूएन जो एक्ट बनाता है वो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है, एक होता है जो सेंटर जो कंट्री को अप्लाई करती है वो उस कंट्री में अप्लाई होता है। जो मैक्सिमम जो कंट्री अपने लॉ बनाती है वो यूएन के चार्टर के तहत अपने लॉ बनाते हैं, मतलब यूएन के हिसाब से जो यूएन बनाता है तो उसे फोकस करके लॉ बनाए जाते हैं। तो उसमें भी बोला गया है, क्या बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ द सेक्सुअल असोल्ट और सिक्योर
द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये दोनों चीजें उसमें बोली गई है। तो फिर भी हमारे यहाँ पे बेस्ट इंटरेस्ट जो चिल्ड्रन है उसके तहत भी फिर पॉस्को में ये सारी चीजें हम लोगों ने नहीं रखी गई है। और इंटरनेशनल केस की भी अगर बात देखें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका, अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका एक बार मैप में देखना चाहेंगे आप लोग, दिखा देता हूँ, ये पड़ गया यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो इस वाले साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं इसमें केस में, ये तो 2008 का केस था लगभग ये। इसमें 19 ईयर ओल्ड थी ये वुमेन, और इसकी जो हेल्थ थी, जो मेंटल हेल्थ थी, वो 8.5 की मानी जा रही थी, मेंटल एज जो मानी जा रही थी। तो इनके साथ भी वहां पे रेप हुआ था। तो इसी तरीके से बोल रहे हैं कि मतलब देखिए चेंज करना चाहिए चीजों में, एज को मेंटल एज के साथ में कंपेयर करके एक्ट में जो है उसमें थोड़ा चेंज लाना चाहिए, तभी चीजें हो सकती हैं, वरना बहुत सारे केसेस इस तरीके के निकल निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए आज के हमारे आर्टिकल, अब न्यूज एनालिसिस देख लेते हैं। और हाँ, इससे पहले एक बात और बताने देना चाहता हूँ, मैंने अभी कल जो है, जो जितने भी मेरा जो पर्सनल चैनल है स्टडी लवर, स्टडी लवर LOVER, मैं इस पे जितने भी लेक्चर लेता हूँ उस पे, मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे के मैं लेक्चर ले रहा हूँ वहाँ पे अपने इस पर्सनल चैनल पे, उसकी कंबाइंड PDF, जो बंदे बहुत सारे पूछ रहे थे, कंबाइंड PDF मैंने जो वीर के नाम से फेसबुक पे पेज है वहाँ पे डाल दी है, ठीक है ना। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और कल जो है मैंने नेक्स्ट चैप्टर, सिक्स चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का भी वहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो जिसको वो देखना होगा आप लोग वो भी देख लीजिएगा। स्टडी लवर चैनल के नाम, स्टडी लवर के नाम से चैनल है, ठीक है ना, यूट्यूब पर। और जो PDF भी आप लोगों को चाहिए कि वो वीर के नाम से फेसबुक पेज में मिल जाएगी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए, इंजॉय कीजिए यार, जितना आप लोग सीख सकते हैं, बस मेरा यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीखें और दूसरों को सिखाएं, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, देखिए इलेक्शन खत्म हुए हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, नाम ये रखिएगा नजीम जैदी। आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमिश्नर को कहाँ पे रखा गया, किस आर्टिकल में रखा गया है, मतलब किस कितने आर्टिकलों के बीच में रखा गया है, और किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे इलेक्शन कराए जाते हैं, जहाँ पे भी सारे जो स्टेटों में इलेक्शन कराए गए हैं, वो जो स्टेट पुलिस के हिसाब से अगर इलेक्शन कराए तो स्टेट पुलिस के हिसाब से इलेक्शन हो नहीं सकते। स्टेट पुलिस जो रहती है वो बायस रहती है कहीं ना कहीं, अगर यूपी की पुलिस है तो यूपी के फेवर में रहेगी, अगर कहीं पे गोवा की पुलिस है तो गोवा के फेवर में रहेगी। तो जो जो एक प्रॉपर इलेक्शन होता है वो सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट इलेक्शन, जिसकी वजह से वहाँ पे फेयर इलेक्शन हो जाते हैं। अगर ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स न हो तो फेयर इलेक्शन ना करा पाए, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाए, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए एग्जिट पोल आने स्टार्ट हो गया, अभी 3 स्टेटों में बीजेपी को बोला जा रहा है इसी तरीके से। न्यूज है वैसे तो कुछ फालतू की न्यूज, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बीजेपी जीतने वाली है, कहीं पर कुछ बोला जा रहा है, जो पंजाब में है वहां पे आपकी बात चल रही है, और जो गोवा में है वहां पे कांग्रेस को बोला जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर हो सकती है, तो सबके ऐसे ऐसे निकल के आ रहे हैं, तो कुछ नहीं है वैसे, डाल दे थोड़ा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एग्जिट पोल क्या होता है, मतलब इलेक्शन होने के बाद में जो अपने व्यूज दिए जाते हैं उनको एग्जिट पोल बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ये वाला आर्टिकल है, ये लिखा है मदर्स ऑफ द मणिपुर, मणिपुर की मदर्स, मतलब पहले आप लोग मणिपुर देख लीजिए एक बार, आप लोगों को तब और ज्यादा फायदा रहेगा। ये वाला है मणिपुर, इसके बारे में केस है, ये हुआ क्या था यहाँ पे, यहाँ पे इसको बोलते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसके तहत आर्मी पर्सनल को बहुत ज्यादा ताकत दे दी जाती है। यहाँ पे हुआ क्या था, एक जो बंदा था आसाम राइफल का, आसाम राइफल के बंदे ने यहाँ पे एक रेप किया था, जिसकी वजह से बहुत सारी औरतें जो थी वो कि आर्मी को बोल रही थी कि आओ हमारा रेप करो, मतलब अगर आप लोगों को रेप ही करना है तो हमारा रेप करो आप, मतलब ये सारी मतलब नेकेड एकदम न्यूड ये सामने आ गई थी, ऐसे फ्लैग अपने सामने लगा के कि आप जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे बहुत ही गलत काम हो रहा है, तो ये ठीक है ना। तो ये हुआ कहाँ पे था, केस भी फिर ये जो प्रोटेस्ट किया था इन्होंने, ये कंगला फोर्ट में किया था। कंगला फोर्ट आप लोगों को ये बताना है, कंगला फोर्ट किस रिवर पे पड़ता है, किस रिवर पे पड़ता है मणिपुर में, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना, रिवर बताइएगा उसका। तो ये देखिए तब से ये बोल रहे हैं कि तब से ये प्रोटेस्ट में भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुकी है, तब से ये बोल रहे हैं कि इसको यहाँ से रिपील करो, आर्म फोर्स स्पेशल पावर जो एक्ट है ये इसको रिपील नहीं किया गया है। तो उसी के बेस पे ये कई बार प्रोटेस्ट भी इनके हो चुके हैं, और आर्मी ने इनको यहाँ से हटा भी दिया था, जो कंगला फोर्ट है जो यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो कई सारी इस तरह की चीजें थी, बस आप लोगों को थोड़ा केस का पता होना चाहिए कि था क्या एक्चुअली ये मदर्स ऑफ मणिपुर। तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, मदर्स ऑफ मणिपुर किससे रिलेटेड है, तो वो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता होगा, न्यूज है बहुत ज्यादा, न्यूज में है कि जो मिड डे मील जो प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों को, उसमें क्या किया गया, आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है। तो आधार कार्ड कंपलसरी करने को इनह्यूमेन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जैसे आप लोग बोलते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सबको राइट टू फूड का एक्ट आप लोगों ने दे रखा है, तो राइट टू फूड कहाँ रह गया जब आप लोगों ने ये कर दिया, तो राइट टू फूड तो खत्म हो गया ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ये लोग। तो ये राजस्थान का केस है, राजस्थान में बहुत चीजें बोली जा रही है, तो मतलब वही चीजें हो गई, एक तरफ तो राइट टू फूड दे रहे हैं, दूसरी पर आधार कार्ड की बात करें, आधार कार्ड बहुत से आदमियों के पास है भी नहीं, तो पहले सबका आधार कार्ड सिक्योर कराओ उसके बाद में इस तरीके केस करो, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं।
ये देखिए, ये आपको याद रखना है, ये सिग्मो या साइगमो, जो भी आप इस लोगों को, जो भी आप इसको प्रोनंसिएट करें, ये फेस्टिवल है, ये गोवा में होता है, ठीक है। गोवा में हार्वेस्टिंग सीजन से पहले फेस्टिवल होता है, तो कई बार इस तरीके के फेस्टिवल पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों को याद रखना है, एनुअल फेस्टिवल है, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलता है। गलियों में ये ढोल नगाड़ा बजाते हुए, ऐसे मतलब फ्लूट मुरलिया बजाते हुए बाहर निकलते हैं ये, तो फेस्टिवल का नाम याद रखना है, और गोवा में ये फेस्टिवल होता है, तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। ये वाली देख लीजिए, ये न्यू कैनियन पाया गया है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम के पास में जो पड़ता है, वहां पे ये खाई पाई गई है, कैनियन पाया गया है एक। और जो कैनियन जो पाया गया है, देखिए इसके बारे में बात क्यों हो रही है यहाँ पे, ये बहुत गहरा है, जैसे कि बेओ बंगाल में कैनियन पाए जाते हैं, तो उसी तरीके से है यहाँ पे। देखिए ये आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी पेपर में, ये बनाए किसके द्वारा जाते हैं, ये नदियों के फ्लो के द्वारा बनाए जाते हैं, जिस तरीके से जैसे नदियां हैं ऊपर से नदियां आ रही हैं, ये यहाँ पे पाया गया है आंध्र प्रदेश वाले ये रीजन में। जिस तरीके से मान लीजिए नदियां हैं बहुत सारी, वो आके यहाँ पे क्या करती हैं, वो इसमें गिरती हैं, तो जैसे जैसे वो गिरती हैं तो ये खाड़ी टाइप की बनाती जाती है, मतलब एक खाई टाइप की बना देती हैं वो, तो जैसे जैसे वो खाई बनाती है, तो उस खाई की बात कर रहे हैं, जो ये नदी का बात बोल रहे हैं कि किसके द्वारा बना, क्योंकि देखिए जितने पुराने ये कैनियन होंगे उतने ही पुरानी वो रिवर होगी, मतलब इसी तरीके से दोनों को कंपेयर किया जाता है, क्योंकि रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये रिवर कैंडी वसाला, कैंडी वालसा के बारे में बात कर रहे हैं, कि इसके द्वारा हो सकता है कि प्रोबेबली बनाया गया हो, तो ये न्यूज थी, थोड़ी सी पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है, टर्म्स आ जाती है। एंशेंट कॉइन पाए गए हैं कॉपर के बहुत सारे सेंट्रल कश्मीर में, 12th ऑफ सेंचुरी के आंका जा रहा है कि 12th ऑफ सेंचुरी के हैं ये, ठीक है ना, आप लोगों को याद रखना है, और ज्यादा कुछ नहीं है ये वाला, तो कम से कम याद रखेगा फेस्टिवल आप लोग। ये वाला बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, देखिए क्या हुआ है, पेड मेटर्निटी लीव जो है वो 26 वीक बढ़ा दी गई है, मतलब जो जो उरेत जो रह जो मतलब औरतें जो रहती हैं, जो प्रेगनेंस रहती है उसके बाद में जो बच्चे को जन्म देती है, तो पहले जो उनको छुट्टी दी जाती थी, वो मतलब उनको जो लीव दी जाती थी वो 12 वीक की दी जाती थी, पर लेकिन अब वो बढ़ा के 26 वीक की कर दी गई है, कितना अच्छा है मतलब। और सबसे बड़ी बात है, ये पेड भी रहेगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा, ठीक है ना। क्या किसके तहत गया है, पार्लियामेंट ने नोट दिया, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 2016, इस 2016 इसके तहत ये काम किया गया है। देखिए दो कंट्री हैं हमसे ऊपर अभी, कौन सी, एक तो कनाडा है और दूसरी है नॉर्वे, दोनों कंट्री में कनाडा में 50 वीक की दी जाती है, और जो नॉर्वे है उसमें दी जाती है 44 वीक की, तो ये दो कंट्री हमसे ऊपर है जहां पे इतनी ज्यादा लीव दी जाती है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हमारी कंट्री आ गई है जिसने कर दिया 26 वीक की, इससे और सब नीचे है, तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक है हमारे लिए, और हमारे जो कंट्री की जो वुमेन है उनको बहुत ही एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाला मूवमेंट, अप्रिशिएट करने वाला मूवमेंट है, अब आराम से बच्चों की देखरेख कर पाएंगी, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर से बताया था आप लोगों को, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, जहाँ परमानेंट सैलरी मिलती है, परमानेंट ऑफिशियल ऑफिसर रहता है, परमानेंट टाइम की परमानेंट छुट्टी रहती है उनको, किस तरीके से मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वही, जैसे ठेली वेली वाले बेचारे घूमते रहते हैं अपना, जो रोजी रोटी कमाने के मतलब रोडों पे घूमते हैं, वेंडर जिनको बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर उस काइंड के होते हैं, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ये। अब ये न्यूज यहाँ पे बीटी कॉटन से रिलेटेड है, ठीक है ना। बीटी कॉटन की जो जीएम क्रॉप रहती है, 3GM क्रॉप, जीएम क्रॉप क्या होती है, एक तरीके से जो नॉर्मल क्रॉप होती हैं वो तो क्या होती हैं, अगर मान लीजिए कोई उन पे कीट पतंगे लग जाते हैं उनको खराब कर देते हैं, पर लेकिन जीएम क्रॉप ऐसी होती है कि उनको खराब नहीं कर पाते हैं, इन पे टेम्परेचर का कम इम्पैक्ट पड़ता है, ज्यादा कम पानी की जरूरत पड़ती है, मतलब अच्छी होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं इनको अगर ढंग से बोला जाए तो पूरा नाम इनका, तो इनके जेनेटिक्स जो है मॉडिफाइड कर दिए जाते हैं। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU, मतलब 3 GM क्रॉप यहाँ पे फाइंड की गई है, एक तो है PAU BT1, ठीक है, दूसरी कौन सी है, दूसरी है F1861, तीसरी कौन सी है RS2013, तो ये तीन यहाँ पे पाई गई है, तीन इनके द्वारा खोजी गई है। और अब तक ये भी आप लोगों को याद रखना है, तीनों का नाम देखिए याद रख ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरीके की यहाँ पे इन्वेंशन हुआ है, खोज की गई है, बनाई गई है, जो भी कह सकते हैं आप लोग। तो अब तक क्या था, अब तक यहाँ पे हमारे यहाँ पे ओनली हम लोग क्या कर रहे थे, जो कोटी को जो अब तक यहाँ पे हम कॉटन है, कॉटन की मतलब जीएम की जो जेनेटिकल मॉडिफाइड जो क्रॉप है, ओनली इंडिया में अब तक कॉटन अलाउ है और कोई अलाउ नहीं है, ये लिख रहे हैं। तो अब तीन आ गई है, इन तीनों का भी अब देखिए किस तरीके से होता है, और जो जो इनमें से दो है, जो PU BT1 है, PU BT1, और जो F1861 जो है, ये दोनों तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने की है, और जो दूसरी है जो कौन सी है ये, इसके बारे में ये है RS206, तो ये किसने की गई है, ये देखिए ये बीकानेर, देखिए RS लग गया तो इसका मतलब राजस्थान की बात हो रही है, उसी तरीके से नाम लिखा होगा इन्होंने, इनकी यूनिवर्सिटी है राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी RAU, PAU और RAU ने ये दोनों कमाल करके दिखाए हैं, ठीक है। देखिए ये वाली कंडीशन क्या चल रही है, ये वाला आर्टिकल इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि पांच कंट्री ऐसी हैं, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया,
और यूएसए हो गया और चाइना हो गया, ये पांच कंट्री के पास में वीटो पावर है। और हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि यूएन में रिफॉर्म करो, और यूएन में रिफॉर्म करो तो इंडिया क्या बोलता है कि यूएन में रिफॉर्म कर दो, हमको उसमें रख दो आप जो परमानेंट मेंबर होते हैं, और 15 साल तक भले ही आप हमको वीटो मत दो। तो उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी कि मतलब जहाँ पे भी बोलते हैं उसी तरीके से बोलते हैं। G4 की मीटिंग हो रही थी, G4 आप लोगों ने हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। G4 में कौन कौन आता है? जर्मनी आता है, ब्राजील आता है, और जापान आता है, और इंडिया आता है। तो G4 की कंट्री, वहां पे भी उन्होंने ये बोला है कि हम नहीं चाहते कि हमको आप वो करो, पर लेकिन उसमें शामिल करो, चीजें आगे स्टार्ट करना स्टार्ट करो। ये हम्बन टोटा पोर्ट है श्रीलंका में, हम्बन टोटा पोर्ट है, ठीक है। एक मिनट मैप में देख ही लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे पड़ता है हम्बन टोटा, बिल्कुल साउथ में पड़ता है श्रीलंका में, ठीक है। इसको डेवलप कर रहा है चाइना, पहले इसको बोला था कि इंडिया को डेवलप करने के लिए बोला था उन्होंने, पर इंडिया उसको डेवलप नहीं कर पाया तो उन्होंने चाइना को दे दिया, पर चाइना ने वहाँ पे ग्रेव कंडीशन बना दी थी बहुत ज्यादा, तो उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट भी हुआ कई बार। तो उसी को रिव्यू करने की बात चल रही है कि किस तरीके से उसको करना है। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि हम्बन टोटा का पार्ट आते कहाँ पे जा रहा है, मतलब यूएस, वो वहाँ पे श्रीलंका में है हम्बन टोटा पोर्ट, ठीक है ना, और चाइना डेवलप कर रहा है। आप लोग भी बोल रहे होंगे इतना आराम से क्यों बोला यार, बहुत तेज बोल बोल के बिल्कुल आवाज लास्ट तक आते तो दिखता है, बस हो गया उसका काम तो। और ये देखिए यार, ये इनका इंटरव्यू दे रखा है, टाइम लगे तो पढ़ लेना, मैंने डाल दिया यहाँ पे। और भी एक दो आर्टिकल है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे PDF में, मतलब कई सारे बहुत ज्यादा आर्टिकल आ गए यार आज, मतलब कई बार तो समझ में नहीं आता क्या 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 डाला जाए, बहुत सारी चीज हो जाती है। तो एक दो आर्टिकल और था, एक दो वैसे तो ये मैंने डाल दिया है, इसको मार्क भी नहीं कर पाया हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ था। तो इस आपको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इसके अलावा दो न्यूज़ हो रहे हैं छोटी छोटी सी, यूक्रेन ने वीजा ऑन अराइवल स्टार्ट कर दिया इंडियन टूरिस्ट के लिए, एक तो ये है, और दूसरा डोनाल्ड टस्क ये फिर से री इलेक्टेड हो गए हैं यूरोपियन यूनियन के प्रेजिडेंट। ये तो ये भी दो छोटी छोटी सी छोटी 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 मगर मोटी बात है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को क्या करना है, PDF डाउनलोड करनी है, कहाँ से? स्टडी IQ की वेबसाइट है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर वीर के नाम से फेसबुक पेज है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और नीचे आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो जहाँ से आप लोगों को चीज़ें सुटेबल लगे वहाँ से आप लोग वो कर लीजिए डाउनलोड। और देखिए बहुत सारे बंदे आंसर लिख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो कई बंदे तो मतलब फेसबुक पे भी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं वहाँ पे कई, मतलब देखिए मैं कई बार ऐसा होता है, आप लोग समझते हैं, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ मैं, चाहे आप फेसबुक पे करें चाहे आप नीचे नीचे उसमें करें, तो मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे पता रहता है कौन कौन आदमी क्या कर रहा है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के सभी के कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, और मुझ तक सारी चीज़ें पहुँचती रहती हैं, इसीलिए मैं इसी तरीके से इंप्लीमेंट करता रहता हूँ चीज़ें, जो भी चीज़ें चेंज करनी होती है, ठीक है। तो नीचे मेरा फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, अगर आप लोगों को वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, और कुछ मुझे कुछ वहाँ पे जाके कुछ भी बोलना है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, और PDF आप लोगों के रिवीजन में बहुत ज़्यादा काम आएगी रिवीजन करने के टाइम पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर। और हाँ देखिए, एक न्यूज़पेपर का मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आप लोग वो भी देख लीजिएगा, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि न्यूज़पेपर कैसा पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।